पे जैसे कि पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्या सुविधा है यात्रियों के लिए? यहाँ पे बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। पानी का सुविधा है, पीने का है, नहाने का है, बाथरूम का है, बाथरूम का भी है, बाथरूम का सुविधा बहुत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मस्त हैं। तो मैं कहाँ हूँ, मैं अभी पटना में हूँ और मैं अभी पुराने बस स्टैंड में हूँ, वहाँ मैं ऑटो पे बैठा हुआ हूँ। और जो नया वाला बस स्टैंड है वहाँ चलते हैं, वहाँ का दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था मुझे नए वाले बस स्टैंड का वीडियो बनाइए, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और नए वाले बस स्टैंड का वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे साथ बने रहें। चलिए आज नए वाले बस स्टैंड को दिखाता हूँ, उसका नज़ारा दिखाता हूँ, उसका व्यू दिखाता हूँ। चलिए लेट्स गो। बस स्टैंड का कुछ दृश्य है, सब बस लगा हुआ है। एक पुराने वाले बस स्टैंड में हूँ, हम चलते हैं नए वाले बस स्टैंड में। स्वागत है, मैं आ गया हूँ इस नए बस स्टैंड पे जो बैरिया में बना है। हम लोग नए बस स्टैंड को देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको बैरिया जो नया बस स्टैंड बना है किस प्रकार से बना है और यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं। तो चलिए देखते हैं आगे से। बैरिया का नया बस स्टैंड है जो मीठापुर से यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। नया बस स्टैंड कुछ ऐसा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नया वाली बस स्टैंड। तो चलिए अंदर चलते हैं, घूमते हैं नए बस स्टैंड में। अभी कुछ कुछ काम ही चल रही है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं नया बस स्टैंड का बैरिया का नज़ारा कुछ ऐसा। तो फाइनली गाइस, हम लोग इस नए बस स्टैंड में आ गए हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस नए बस स्टैंड में मीठापुर से शायद काफ़ी दूर पड़ता है यार, और मीठापुर से यहाँ का किराया जो पुराने बस स्टैंड है वहाँ से इसका किराया 30 रुपया है 30, और काफ़ी दूर है यहाँ पे। और आने में भी यार क्या मतलब क्या बोलूँ, कुछ ऐसा दृश्य है तो आप लोग देख सकते हैं इस बस स्टैंड में जो नया वाला बस स्टैंड है। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे जानकारियाँ लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनसे पूछने के लिए और नए बस स्टैंड को एक्सप्लोर करते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा बस स्टैंड का जैसा कि देख सकते हैं, आइए इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। तो भैया यहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ जाने के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं? जहानाबाद गया, जहानाबाद गया और बिहार, नालंदा, राजगीर, राजगीर, चंदी, नगनौसा। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनसे बातें कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो नया बस स्टैंड बना है वहाँ, तो भैया आपको क्या लगता है जो पुराने वाले बस स्टैंड बना है तो नया वाला में क्या अंतर है, इसमें जो बना है नया वाला बस स्टैंड? नहीं, कुछ आपसे भी सुनना चाहते हैं। पुराने वाले से बहुत अच्छा लग रहा है, पुराने वाले से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मतलब लोगों का सुविधा कैसा है? सुविधा भी अच्छा है, अच्छा सुविधा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा दूर पड़ जा रहा है जो पुराने बस स्टैंड है वहाँ से आने में। आने में अब दूर पड़ रहा है, अब यहाँ के लोग के वहाँ जाने में दूर ना पड़ रहा था। अच्छा, हर कोई तो लगता है कि बस हमारे नज़दीक ही रहे। हाँ हाँ, तो लोगों के लिए आपको कहना है कि सुविधा अच्छा है यहाँ पे, अच्छा, अच्छा। मतलब अच्छा सुविधा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बस स्टैंड में, और सभी जगह का बस लगा हुआ है। कुछ ऐसा नज़ारा अभी बन ही रहा है, बिल्डिंग कुछ तैयार हो रहा है यहाँ पे। और एक थे लोगों से मिलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। अंकल, अंकल बस चलाते हैं क्या आप? हाँ। कहाँ से कहाँ चलाते हैं अंकल? शेखपुरा पटना। शेखपुरा पटना, पहले मतलब कहाँ था पहले? जो मीठापुर बस स्टैंड था। हाँ। पहले वहाँ से गाड़ी चलती थी? हाँ, हाँ, मीठापुर। हाँ, तो आपको क्या लगता है वहाँ से यहाँ पे सुविधा क्या है? अच्छा सुविधा है, बहुत। हाँ, हम लोग बढ़िया।
अच्छा हम लोग खूब सुविधा अच्छा कहाँ से कहाँ चलाते हैं बस? शेखपुरा से पटना। शेखपुरा से पटना। नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष कुमार इनका नाम है और ये बस चलाते हैं। और अभी कुछ बोल दीजिए भैया दो बात कि मतलब यहाँ पे जो बस स्टैंड बना है, जो नया बस स्टैंड बना है, तो यात्री के लिए क्या क्या सुविधा है? यात्री के लिए सुविधा तो नहीं है, वहाँ तो कठिनाई है। हाँ हाँ, यात्री की कठिनाई। यात्री के लिए तो सुविधा नहीं, आवे जाए थोड़ा बोल रहे थे वो लोग, प्रॉब्लम है, दिक्कत है। यहाँ पे सुविधा सब चीज है। अच्छा सुविधा है। सवारी का भी सुविधा होगा, धीरे धीरे ऐसे रहेगा ना, अभी तो जानकारी होगा। हाँ हाँ, आपका नाम? हमारा विनोद कुमार नाम है। धन्यवाद आपको। हम आ रहे हैं बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से पहले कहाँ पे बस स्टैंड थी? मीठापुर में थी। हाँ, ये तो नया बन रहा है ना, जो मीठापुर में बस स्टैंड थी, तो मतलब उससे क्या ये मतलब आपको आने में यहाँ पे ज्यादा सुविधा है क्या? हाँ, ज्यादा सुविधा बुझा रहा है यहाँ पे, ज्यादा सुविधा बुझा रहा है। और पुराने वाले बस स्टैंड पे उधर भी सही है, उधर भी सही था। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सुविधा बुझा रहा है। यहाँ पे किराया क्या लग रहा है? किराया जो लगता था पहले, ये तो पता नहीं है, लेकिन 100 रुपये लिया बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से यहाँ पटना के 100 रुपया लिया। ठीक है, धन्यवाद। और यहाँ पे कुछ नवादा बिहार और ऐसा कुछ बस लगा हुआ है, पार्किंग क्षेत्र, और अब इसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो पूरे नए वाले बस स्टैंड है जैसा आप लोग देख सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है पीछे बस स्टैंड का, ऐसा नज़ारा। चलाते उनसे बातें करते हैं। तो भैया यहाँ पे ऑटो में आप अंदर से कहाँ कहाँ ले जाते हैं? यहाँ से लोग बस स्टैंड जाते हैं मीठापुर पुरानी वाली बस स्टैंड। अच्छा, निसाबाद। अच्छा, निसाबाद होते हुए फुलवारी होते हुए दानापुर जाते हैं। अच्छा, जैसे कि पुराना वाला जो बस स्टैंड बना है जो था, नया वाला बना, इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर है? हम लोग का बहुत सुविधा है, किसी का कोई भी सामान छूट गया तो उसको यहीं पे छोड़ छोड़ के मिलेगा। हम लोग का कार्ड बना हुआ है, कार्ड उसी कार्ड से हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसका नहीं बना हुआ से नहीं चल सकता। इसमें मतलब कार्ड बनता है उसी का एंट्री है ना, यहाँ पे सबका कार्ड बनता है। जो भी होता है हम लोग का जब जाएगा इन पे, उसके बाद हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, इस पे एंट्री करता है। एंट्री नहीं है उसकी, उसका यहाँ पे जो चोर छिनार है उसको कहीं भी नहीं है, जिसका रहेगा वही आएगा। नाम क्या हुआ आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, धन्यवाद आपको। आईएसबीटी पटना, कुछ ऐसा दृश्य जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और बस स्टैंड राजगीर, मतलब काफ़ी गाड़ियां यहां से मिलती है, जो नया भी पटना का नया बस स्टैंड मिला है और बना है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें काम ही लगा हुआ है, अभी कुछ तैयारियां हो रही हैं ऐसा। तो गाइस, आपने जैसा कि देखा, मैंने इस बस स्टैंड को दिखाने का कोशिश किया और कुछ लोगों से बात करने का कोशिश किया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो आप लोग को, अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।